माय चैनल. सो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ये फेस्टिव मेकअप लुक, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है करने में, बट दिस इज़ क्रिएटेड बाय अ मेकअप आर्टिस्ट. शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, खुशलीन मेकअप आर्टिस्ट. मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी, तो आप उनका काम जाकर देख सकते हैं. सो यस, अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये मेकअप लुक उन्होंने कैसे क्रिएट करी है, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. तो सबसे पहले उन्होंने मेरा फेस क्लीन करा था यूजिंग गार्नियर ऑयल इन्फ्यूज्ड मैसेलर वाटर. ये जो बेसिक स्टेप्स हैं, ये बहुत नेसेसरी हैं आपकी परफेक्ट फिनिश लाने के लिए. उन्होंने बहुत एम्फोसाइज करा था स्किन प्रेप पे, तो अगर आपकी स्किन की प्रिपरेशन बहुत सही होगी तो आपकी फिनिश बहुत अच्छी आएगी. सो आफ्टर क्लीनिंग शी यूज इंडल्जो एसेंशियल्स का मिस्ट. जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैं नीचे लिंक डाउन ज़रूर कर दूंगी. उसके बाद उन्होंने एक फैन यूज़ करा था, ताकि जो मिस्ट उन्होंने स्प्रे करा है वो एब्जॉर्ब हो जाए मेरी स्किन में. बिल्कुल भी मिस्ट आपके फेस पे नहीं रहना चाहिए, वरना आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्लाइड कर जाते हैं आपकी स्किन से. तो उसके बाद उन्होंने यूज़ करा है ये सेबामेट का मॉइस्चराइज़र ऑल ओवर माय फेस. अगेन, आपकी स्किन अच्छी प्रेप और मॉइस्चराइज्ड होगी तो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से अप्लाई होंगे और अच्छे दिखेंगे. उसके बाद उन्होंने यूज़ करा है बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर सेंटर ऑफ माय फेस पे, या जहाँ पे भी आपको पोर्स दिखते हैं, जनरली सेंटर ऑफ फेस पे ही होते हैं, वहाँ पे अप्लाई करा है, ताकि अगेन मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और जो मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. उसके बाद उन्होंने यूज़ करा है फॉरएवर 52 का कंसीलर, जो मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, जस्ट वन शेड डार्कर एज अ करेक्टर फॉर फेस. तो अगर आपके फेस पे कुछ भी पिगमेंटेड या डार्क एरिया है, तो वहाँ पे आपको इसको अप्लाई करना है, जैसे अराउंड द माउथ, अंडर आई एरियाज में. सो उन्होंने पीच करेक्टर ना यूज़ करके एक शेड डार्कर कंसीलर यूज़ करा है, जो कि एक्चुअली में बहुत फ्लॉलेस लुक दे रहा था. अगर आपके डार्क सर्कल्स या डार्क पिगमेंटेड एरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप पीच करेक्टर की तरफ जाएं, वरना आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आप कोई भी मेकअप स्पॉन्ज यूज़ करिए, उसे डैम्पन कर लीजिए, एंड देन आप सारा जो कंसीलर लगाया है उसे ब्लेंड कर लीजिए. मेकअप स्पॉन्ज को गीला करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो आपका मेकअप है वो अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड होगा. पूरी वीडियो में मैं आपको चिट चैट करते हुए देखूंगी, सो सॉरी फॉर दैट ऑलरेडी. सो यस, अब उन्होंने अपने हैंड पे फाउंडेशन ले लिया है, और ये फाउंडेशन भी फॉरएवर 52 का ही है. उन्होंने मेरी स्किन टोन का फाउंडेशन लिया है, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से देख सकते हैं. ये आपको यहाँ पे लाइट लग रहा है, बट ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती हैं फाउंडेशन, सो थोड़ी सी लाइट्स का भी फर्क रहता है. सो अगेन, स्पॉन्ज को यूज़ करते हुए उन्होंने पूरे फेस पे फाउंडेशन को टैप करते हुए अप्लाई करा है. आप देखिए, बिल्कुल भी स्लाइड नहीं करा है, खींचा नहीं है, टैप करते हुए उन्होंने सारे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है. ऑफ कोर्स, आपने अपने नेक को नहीं भूलना है मॉइस्चराइज करते हुए भी और फाउंडेशन को अप्लाई करते हुए भी, वरना आपका नेक और आपका फेस बिल्कुल अलग ही लगेगा. सो सारे स्टेप्स जो हैं वो नेक के लिए भी उतने ही मैटर करते हैं. उसके बाद उन्होंने एक टोन लाइटर कंसीलर यूज़ करा है, अगेन टू हाईलाइट माय फेस. तो अंडर आई एरिया पे हाईलाइट करने के लिए, या फिर सेंटर ऑफ माय फेस पे हाईलाइट करने के लिए, उन्होंने वन शेड लाइटर कंसीलर फ्रॉम फॉरएवर 52 ही यूज़ करा है. तो ये है हमारा कंसीलर, और उसके बाद उन्होंने उसको भी ब्लेंड कर दिया है यूजिंग द सेम स्पॉन्ज. इन्होंने फॉरएवर 52 के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम उनके स्पंजेस टू उनकी फाउंडेशन, कंसीलर, बहुत कुछ. तो आप एक वो ब्रांड है ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, जिसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट उसके प्रोडक्ट्स एक्चुअली में बहुत अच्छी फिनिश दे रहे थे, तो मैं भी उसको ज़रूर चेकआउट करूँगी. सो दैट इज़ वन ब्रांड दैट आई रिकमेंड टू यू. उसके बाद उन्होंने कॉन्टोरिंग करी है यूजिंग फेंटी ब्यूटी कॉन्टोर स्टिक. तो जहाँ जहाँ आपको थोड़ी डेफिनेशन चाहिए, थोड़ा कट चाहिए, वहाँ पे आप ये कॉन्टोर स्टिक अप्लाई करें. मेरे उन्होंने चीक बोन्स के नीचे और उसके बाद फोरहेड पे थोड़ा सा, अगर आपका फोरहेड थोड़ा बड़ा है तो उसको छोटा दिखाने के लिए आप ये कॉन्टोर स्टिक वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. एंड देन जॉ लाइन पे, ताकि आप अपनी जॉ लाइन को थोड़ा और डेफिनेशन दे सके. अगर आपकी डबल चिन है तो एक ट्रिक की तरह काम करती है, आपकी डबल चिन नहीं दिखती. और दूसरा, अगर आपकी डबल चिन नहीं भी है तो जॉ लाइन एकदम डिफाइंड लगती है, जो बहुत सुंदर लगता है. उसके बाद थोड़ा सा कंटूर उन्होंने मेरे नोज पे अप्लाई करा है एंड अराउंड माय लिप्स टू गिव दैट पाउटी लुक टू लिप्स. तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो बहुत अच्छी होती है और बहुत काम करती है. उसके बाद उन्होंने एक ब्लश स्टिक यूज करी है बाय फॉरएवर 52 अगेन, और थोड़ा सा मेरे चीक्स पे अप्लाई करा है.
उसके बाद अगेन स्पॉन्ज यूज कर डैम स्पॉन्ज यूज कर उन्होंने सारा कुछ ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग जो है वो बहुत टाइम लेता है। ये वीडियो 40 मिनट्स की थी जो मैंने कट शॉर्ट करी है। ज़्यादातर काम इसमें ब्लेंडिंग का था, तो जहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई कराए आप उसे वहीं ब्लेंड करें, उसे ज़्यादा फैलाएं मत, वरना कंटोरिंग बहुत मडी सी लुक देने लग जाती है। तो बस टैप 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 कर आपको ब्लेंड करना होता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट यही सही प्रोसीजर है ब्लेंड करने का। उसके बाद अंडर आई एरिया को सेट करने के लिए उन्होंने सेटिंग पाउडर यूज़ करा है। लॉरा मर्सिया का सेटिंग पाउडर है ये, और इन्होंने थिक लेयर ऑफ सेटिंग पाउडर अप्लाई करा है ताकि जो आपका कंसीलर है वो एकदम इंटैक्ट रहे, हिले ना। और थोड़ा सा उन्होंने कंटोरिंग के नीचे थोड़ा सा सेट करा है ताकि जो कंटोरिंग है वो एकदम शार्प दिखे और बाकी का सारा आपका फेस सेट हो जाए। सो बाकी के फेस पे उन्होंने बहुत ही लाइट पाउडर अप्लाई करा है, जबकि अंडर आई एरिया में थोड़ी थिक लेयर लगाई है ताकि बिल्कुल भी क्रीजिंग ना हो, लाइंस के बीच में बिल्कुल भी प्रोडक्ट जो है वो सेटल ना हो। उसके बाद एक ब्रश लेकर उन्होंने थोड़ा सा पाउडर सारे फेस पे पैक कर दिया है ताकि जो मेरा पूरा मेकअप है, जो मेरा पूरा बेस है वो एक बार सेट हो जाए। सो वेरी लाइटली आपको डस्ट ऑफ करना है सारा पाउडर ऑन योर फेस, वरना जो अगर आप ज़्यादा पाउडर लगा लेंगे तो वो बहुत ही केकी फिनिश देगा, तो बहुत ही लाइट यूज़ करना है। उसके बाद उन्होंने मॉफी की ब्लश पैलेट यूज़ करी है और ब्लश अप्लाई करा है। ब्लश एज़ पर योर विश, आप ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं ज़्यादा करिए, और कम अप्लाई करना चाहते हैं कम करिए। ये मॉफी की पैलेट है जो उन्होंने यूज़ करी है, वो एक फॉरएवर 52 की पैलेट भी है जो रिकमेंड करते हैं। उसके बाद उन्होंने हुला का ब्रॉन्जर अप्लाई करा है। ये एक प्रोडक्ट है जो वो कहते हैं कि सारी स्किन टोन्स पे बहुत सुंदर लगता है, और इसका जो ब्रॉन्जर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। तो अगर आप एक ब्रॉन्जर लुक आउट कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। ये एक बहुत अमेजिंग ब्रॉन्जर है, बहुत अच्छी फिनिश और बहुत अच्छा लुक दे रहा था। तो जहाँ जहाँ आपने कंटोर अप्लाई करा है वहाँ वहाँ आप इसको भी अप्लाई करिए, आपका कंटोर भी सेट हो जाएगा और बहुत चीज़ें लुक मिल जाएगी। उसके बाद उन्होंने हाइलाइटर यूज़ करा है, अगेन ये फॉरएवर 52 का हाइलाइटर है। और जहाँ जहाँ हाई पॉइंट्स है आपके फेस पे, जैसे सेंटर ऑफ योर नोज एंड थोड़ा सा क्यूपिड्स बो पे एंड थोड़ा सा चिन पे, वहाँ पे उन्होंने अप्लाई करा है हाइलाइटर। नाउ कमिंग टू आईब्रोज, सबसे पहले उन्होंने स्पूली लेकर ब्रश कर दिया है सारे हेयर, और उसके बाद उन्होंने ये पॉट यूज़ करा है बाय मैक, और ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है मैक का आईब्रो पॉट। और उससे उन्होंने जो भी आईब्रोज थी मेरी फिल कर दी हैं, थोड़ी थिक डेफिनेशन कर दी है। जनरली जब हम मेकअप करते हैं तो हम आईब्रोज का पार्ट स्किप कर देते हैं, लेकिन आईब्रोज ही हैं जो एक बहुत अच्छी फिनिश देता है आपके मेकअप को, आपका फेस को एक बहुत ही डिफरेंट लुक देता है। तो अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं इस बार अपने मेकअप में, तो अपने आईब्रोज ज़रूर ट्राई करिए करना। आप चाहे स्टार्ट करिए पेंसिल के साथ, उसके बाद आप इस पर मूव कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट्स लाइक दीज ऑल्सो वर्क ग्रेट। बस थोड़े थोड़े लाइट लाइट स्ट्रोक्स यूज़ करिए, और उसके बाद दोबारा से स्पूली को यूज़ करके उन्होंने सारा जो प्रोडक्ट है वो ब्रश ऑफ कर दिया है ताकि सब अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद उन्होंने यूज़ करा है एले गर्ल का कंसीलर आईब्रोज को अच्छे से डिफाइन करने के लिए। तो नीचे पूरी आईलेट पे और ऊपर भी डेफिनेशन देते हुए उन्होंने सारा कंसीलर अप्लाई कर दिया है, और फिर वो उसको ब्लेंड कर देंगे यूजिंग अ वेरी स्मॉल ब्रश। बिल्कुल भी आपको प्रोडक्ट को हिलाना नहीं है, जहाँ पे है वहीं पे ब्लेंड करना है, और अपने आईब्रोज को एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दे देनी है। ऊपर से आपकी आईलेट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगी आई मेकअप के लिए। सो या हाइलाइट्स पे कंसीलर अप्लाई करने का एक और फ़ायदा ये है कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो स्मज नहीं होंगे, स्पेशली काजल। सो आईलाइट्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने आई मेकअप शुरू करा था। अब आई मेकअप बाय चांस शूट नहीं हो पाया है पूरी तरीके से, बट उन्होंने हुडा ब्यूटी की पैलेट यूज़ करी थी। सारे प्रोडक्ट्स मैं नीचे दे दूँगी। उसमें उन्होंने गोल्डन शेड एंड ब्राउन शेड यूज़ करा था, एंड कॉर्नर ऑफ आईज पे पूरा ब्राउन, एंड क्रीज में भी उन्होंने ब्राउन शेड लगाया था, और सेंटर ऑफ लिड में गोल्डन। उसके बाद उन्होंने रिकोट का काजल यूज करा है, अप्लाई करा थिकली ऑन माय अपर लैश लाइन, और उसके बाद एक ब्रश लेकर उसको ब्लेंड कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी, आई मेकअप पूरी शूट नहीं हो पाई, बट आई ट्राई इट बेटर नेक्स्ट टाइम। बट चलो बेस पूरा शूट हो गया था। तो यस, उन्होंने सारी काजल जो है उसे ब्लेंड कर दिया है टू गिव दैट स्मोकी फील, और उसको ना थोड़ा कैट आई शेप में ले गए हैं, ऊपर की तरफ उठा दिया ताकि जो आपकी आईज हैं वो थोड़ी अपलिफ्टेड लगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत ज़रूरी होती हैं टू गिव दैट नाइस डेफिनेशन टू आईज।
उसके बाद वही रिकॉर्ड का काजल उन्होंने मेरी लोअर वॉटर लाइन पे भी अप्लाई करा है। इट इज़ सच एन इंटेंस ब्लैक काजल। ये काजल है जो मैं ऑलरेडी परचेज कर चुकी हूँ, तो मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर दे दूँगी। उसके बाद जो ब्राउन शेड्स हैं उन्होंने क्रीज में अप्लाई करा था, लाइक जो डेप्थ क्रिएट करी थी उसी को एक छोटे ब्रश पे लिया है और जो काजल है उसे स्मच करा है ताकि अपर और लोअर लुक ऑफ आई दोनों कंबाइन हो जाए और वो एक कंप्लीट लुक दे। तो यस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी स्टेप ताकि आपकी जो आई लुक है वो कंप्लीट लगे। उसके बाद उन्होंने हाइलाइटर लिया है और उसे आईब्रोज के नीचे अप्लाई करा है। इससे आपकी जो आई मेकअप और आईब्रोज के बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाता है और आपका आई मेकअप और हाईलाइट हो जाता है। सो या ये था हमारा कंप्लीट आई मेकअप जो फेस्टिव सीजन के लिए बहुत अमेजिंग है। उसके बाद उन्होंने एक छोटे ब्रश पे ब्राउन शेड लिया और जो आउटर कॉर्नर था उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर दिया। जब आप कलर्स को ब्लेंड करते हैं तो वो थोड़ा सा फेड आउट हो जाते हैं, तो एंड में थोड़ा सा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है उससे थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करने के लिए। सो रीटचेस इज समथिंग जो बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका मेकअप इन द प्रोसेस सारा ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद जो भी फॉल आउट थी वो सारी उन्होंने ब्रश ऑफ कर दी और उन्होंने क्लियर कर दिया सारा मेरा अंडर आई एरिया। नेक्स्ट उन्होंने यूज़ कराया अगेन फॉरएवर 52 का मस्कारा। नाउ दिस वाज अगेन अ बॉम्ब मस्कारा, बहुत ही अच्छा मस्कारा था। एंड उन्होंने अपर लैश लाइन पे भी 2-3 कोट्स आराम से लगाए थे एंड सेम उनकी उन्होंने करा था लोअर लैश लाइन पे भी। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा आई लैशेज भी लगाई थी, तो जो कि हमने वीडियो में शूट नहीं करी है, बट हमने एक्स्ट्रा आई लैशेज लगाई थी। इसके बाद उन्होंने यूज़ कराया ये लिप पेंसिल और जो लिप कलर है बाय हुडा ब्यूटी। हुडा ब्यूटी का आई थिंक गेम चेंजर नाम था लिप कलर का जो उन्होंने यूज़ करा है। उन्होंने ये लिप पेंसिल जो है वो फॉरएवर 52 की यूज़ करी है, सारे जो लिप्स हैं उसे आउटलाइन कर दिया और थोड़ा थोड़ा सा उसे फिल भी कर दिया, क्योंकि अगर लिप कलर थोड़ा फेड आउट हो जाए तो एकदम बॉर्डर लाइन्स ही नहीं दिखनी चाहिए, थोड़ा सा कलर आपके लिप्स पे भी रहना चाहिए। तो यस, उन्होंने 2-3 कलर्स को मिक्स कर यूज़ करा था एंड दोनों आई थिंक हुडा ब्यूटी के ही थे, तो उन्होंने हुडा ब्यूटी के वो कलर्स अप्लाई करे और एंड में थोड़ा सा ग्लॉस अप्लाई करा सेंटर ऑफ द लिप्स में टू गिव दैट शाइन एंड ग्लो, क्योंकि फेस्टिवल्स इज ऑल अबाउट ग्लो। तो यस, इसके बाद उन्होंने मेरे बाल कर्ल करे और फिर मैंने ज्वेलरी पहनी और फिर मैंने एक्स्ट्रा आई लैशेज लगा ली और यही थी हमारी कंप्लीट लुक। सो या यही थी मेरी कंप्लीट फेस्टिव लुक डन बाय खुशलीन वर्दी। आप उनका पेज ज़रूर चेकआउट करिए और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड या दिस वॉज द कम्प्लीट लुक। आई रियली होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो। आई एम वेरी सॉरी कि थोड़ा सा जो आई मेकअप है वो बीच में से स्किप हो गया, बट ऐसी वीडियोज़ मेरे चैनल पर और भी हैं जिसमें मैंने गोल्डन स्मोकी आई करा है, तो आप मैं वो उसे लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक कर सकते हैं। एंड येस, दिस वॉज द फाइनल लुक। मैंने मस्टर्ड शरारा पहना था। इस मेकअप लुक के साथ आप कोई भी आउटफिट पहन सकते हैं, ये एक बहुत ही यूनिवर्सल फेस्टिव लुक है। मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट करिए, मैंने 2-3 आउटफिट्स इसके साथ पेयर करे हैं तो सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो अगर आप फेस्टिव आउटफिट्स देखना चाहते हैं, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड या दिस वॉज द क्लोजअप, दीज वर द इयररिंग्स आई पेयर्ड विद इट एंड दिस वॉज द फाइनल एंड द कम्प्लीट लुक। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, छोटे छोटे टिप्स आपको हेल्प करे। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।